साथियों, आज हम ग्राम मीरापुर पिलखवा के पास में हमारे सम्मानित अधिकार की टीम पहुंची हुई है। हम ग्राम मीरापुर में डॉक्टर अरविंद के पास आए हुए हैं, जो बाबा साहब की विचारधारा से प्रभावित हैं। आज हम उनसे कुछ सवाल करेंगे कि वो बाबा साहब के विचारधारा से किस तरह से प्रभावित हैं, बुद्धिज्म को किस तरह से फॉलो करते हैं, और आने वाले समय में अपने समाज के जो युवा हैं उसमें किस तरीके से उनकी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं, या अपना भविष्य हम लोग कैसे देख रहे हैं समाज का। तो हम अभी डॉक्टर अरविंद के जी से पहुँच रहे हैं, उनके पास में उनसे एक सवाल पूछते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय साहब। नमो बुद्धाय, जय भीम। सर्वप्रथम सम्मान का अधिकार की टीम को बहुत बहुत साधुवाद, जो उन्होंने इतना सुंदर कार्यक्रम चला रखा है, जिससे वो लगभग युवाओं के पास जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा से प्रभावित हैं, उन लोगों के पास जा कर के उनके विचार जानने की भरसक कोशिश करके समाज को एक आईना दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उस टीम को बहुत बहुत साधुवाद। डॉक्टर साहब, इसमें मेरा आपसे पहला एक क्वेश्चन होगा कि जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को जो आप फॉलो करते हैं, वो किस तरह से फॉलो करते हैं, समाज में आपको देख करके युवा आपकी तरफ आकर्षित हों, आप किस तरह से वो चीज़ मेंशन कर पा रहे हैं कि जिससे समाज में एक चेतना, हमारे युवाओं में एक चेतना हो। मैं सबसे पहले अपने युवाओं को संदेश देना चाहता हूँ कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जैसा अद्वितीय मानव, महामानव, जिसने अपना संपूर्ण जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन यहाँ के दलित, शोषित, पिछड़े समाज की उन्नति व उत्थान के लिए समर्पित किया है, मैं सभी अपने युवा वर्ग साथियों से आग्रह करूँगा कि ऐसे महापुरुष की जो विचारधारा है वो भारत में नहीं अपितु संपूर्ण दुनिया में अद्वितीय है। और मैं आग्रह करता हूँ कि भाई जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा है उस पे सभी युवा चलने का प्रयास करें। मैं सम्मान एक अधिकार की टीम को मैं बताना चाहता हूँ कि मैं डॉक्टर अरविंद कुमार गौतम मीरापुर में एक छोटा सा अपना क्लिनिक चलाता हूँ, और मैं लगभग 35 साल की आयु तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बाबा साहब की विचारधारा से अनभिज्ञ था। और जब मैंने प्रथम बार 35 वर्ष की आयु में लगभग 2015 दिसंबर के माह में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का एक प्रोग्राम देखा, तो उसे देख करके मेरे मन में एक सवाल उठा कि भाई बहुत कुछ है जो मुझसे छूट गया है। हालांकि मैंने बीएससी साइंस से क्वालिफिकेशन मेरी है, लेकिन बीएससी तक शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी जो बाबा साहब की जो विचारधारा है या बाबा साहब के जो किए हुए कार्य हैं वो मुझसे लगभग मेरी पहुंच से बाहर थे, क्योंकि यहाँ भारत के अंदर जो ब्राह्मणवादी या मनुवादी सरकार हैं या जिन लोगों का यहाँ वर्चस्व है, उन लोगों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को हर उस युवा से दूर रखा है जो युवा अपने सुंदर भविष्य के निर्माण के लिए अग्रसर है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो विचारधारा है वो एक ऐसी विचारधारा है जिस विचारधारा के तहत जो युवा है वो उन्नति, तरक्की और विकास के पथ पर अग्रसर होगा, ऐसी बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा है। पिछले 5 वर्षों के अंदर मैंने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को जान करके यही अनुभव किया है, और ये निश्चित है कि बाबा साहब की जो विचारधारा है वो ऐसी विचारधारा है
कि उस बाबा साहब से अनुपम व उत्तम विचारधारा शायद ही इस दुनिया में कोई हो, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की विचारधारा को अपनाकर भारत को अगर हम छोड़ दें तो दुनिया के लगभग ज़्यादातर देशों ने बाबा साहब के विचारों से प्रभावित होकर के उनके विचारों को अपना करके तरक्की व उन्नति हासिल करी है। और इस श्रेणी में अगर हम देखें तो दुनिया की जो महाशक्ति कहा जाने वाला देश है अमेरिका, वो भी इससे पीछे नहीं है। डॉक्टर साहब, ये आपके विचार हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। मैं इसमें एक आपसे एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा कि जो बाबा साहब की जो विचारधारा है वो हमारे युवा जो हैं, जो हमारे लड़के लड़की हैं, वो कहाँ तक फॉलो कर पा रहे हैं, और फिर अगर फॉलो करने में उन्हें क्यों आपत्ति होती है, वो बाबा साहब की विचारधारा की तरफ क्यों आकर्षित नहीं हो पाते हैं? देखिए, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो साहित्य है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का दर्शन है, सही मायने में वो हमारे युवाओं तक पहुंचा ही नहीं है। असली वजह यह है कि जो साहित्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का है वो हमारे युवा से, हमारे जो विद्यार्थी हैं, जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उससे लगभग दूर है। और जब तक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो विचारधारा है, उस विचारधारा को जब तक हमारा युवा पढ़ेगा नहीं, जानेगा नहीं, समझेगा नहीं, तो वो, मैं मानता हूँ कि वो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं कर सकता जब तक वो साहित्य के दर्शन को पढ़ ना ले। अगर वो दर्शन को पढ़ लेता है तो निश्चित रूप से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा ऐसी विचारधारा है कि मैं अपने समाज की ही नहीं अपितु उस वर्ग की भी जिम्मेदारी लेता हूँ जिस वर्ग को इस देश के अंदर मनुवादी लोग कहा जाता है, वो भी उस विचारधारा को अपनाने के लिए तत्पर हो जाएंगे। ऐसी विचारधारा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की है, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जो विचारधारा है वो उन्नति का मार्ग दिखाती है, तरक्की का मार्ग दिखाती है। और ऐसी विचारधारा को आखिरकार कौन युवा ऐसा होगा जो उस विचारधारा को अपनाना नहीं चाहेगा या उस विचारधारा पर चलना नहीं चाहेगा? मैं मानता हूँ कि इसका मूल कारण जो हमारा युवा वर्ग बाबा साहब की विचारधारा पर चलने के लिए अग्रसर नहीं है, उसका मूल कारण यही है कि बाबा साहब का जो साहित्य है उनसे दूर है। साहित्य को अगर युवा पढ़ लेता है तो निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि वो इस विचारधारा पर डेफिनेटली चलेंगे, ऐसा मेरा मानना है। डॉक्टर साहब, जो विचारधारा बाबा साहब की है, बाबा साहब की विचारधारा को हम लोग या आप लोग जैसे ही गांव-गांव पहुंचा रहे हैं, आखिर आप लोग क्या देखते हैं उस विचारधारा से लोगों को, जो हमारे समाज के युवा हैं, उससे कितना फ़ायदा पहुंच पा रहा है युवाओं को, या उससे कितना ऐसा लगता है कि नुकसान की तरफ जा रहा है? युवा क्या महसूस करता है, क्या अपने आप को फ़ायदेमंद महसूस कर पा रहा है, या वो समझता है कि मैं बाबा साहब को या डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ करके यानी एक नुकसान की तरफ? देखिए, ये तो निश्चित सी बात है कि जब तक बाबा साहब की जो विचारधारा है, जो उनका दर्शन है, उसे युवा नहीं पढ़ता है तो फ़ायदे की तरफ तो वो तब तक नहीं जा पाएगा, निश्चित रूप से वो नुकसान की तरफ है। उसके खामियाजे अगर हम देखें तो हमें भुगतने भी पड़ रहे हैं। जैसे आप देखिए कि SC/ST एक्ट को इस मनुवादी सरकार ने जिस तरह से कमज़ोर किया और कमज़ोर करने का काम करा, अगर चंद बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा पर चलने वाले लोग उसके लिए विद्रोह ना करते तो हो सकता है कि वो जो SC/ST एक्ट की जो धारा है वो समाप्त हो गई होती। लेकिन वो जो अस्तित्व में आज है उसका मूल कारण यही है कि जो चंद लोग जागरूक हैं, बाबा साहब की विचारधारा को पढ़ रहे हैं, उनकी वजह से वो SC/ST एक्ट बची। ऐसी अनेकों घटनाएं हैं, जैसे दलित समाज पर अत्याचार लगातार होते रहते हैं और आए दिन कुछ ना कुछ प्रोपेगेंडा ऐसा करा जाता है कि जिसके तहत
हमारे जो हक अधिकार हैं उन्हें छीना जाता है, उन्हें ख़त्म करा जाता है। और ये निश्चित रूप से उसी वजह से है कि हम जो लोग हैं वो विचारधारा को पढ़ नहीं पा रहे, बाबा साहब का जो बताया हुआ मार्ग है उसका अनुसरण नहीं कर पा रहे। ये हमारी मूल वजह है जिसकी वजह से हमारे अधिकार लगातार छीनते जा रहे हैं। तो ये तो है कि निश्चित रूप से हमें बाबा साहब की विचारधारा पे आज नहीं तो कल पूर्ण रूप से आना पड़ेगा। और मैं तो ये मानता हूँ कि आज अगर हम दलितों को देखें तो दलित उस अनुपात के तहत बाबा साहब की विचारधारा से नहीं जुड़े हुए जिस अनुपात में उन्हें होना चाहिए, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो जन्म है उस दलित वर्ग में हुआ है। और उस दलित वर्ग में जन्म होने के नाते सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होना चाहिए वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा से वो इस दलित समाज को होना चाहिए। और आज देख रहे हैं कि इस श्रेणी में ओबीसी भी अच्छी मात्रा में आ रहा है, अच्छी भागीदारी ओबीसी की भी हो रही है, और ये हमारे लिए एक अच्छा संकेत है कि ओबीसी भी जागरूक हो रहा है और आदिवासी लोग भी बाबा साहब की विचारधारा को समझ रहे हैं कि बाबा साहब ने कैसे समता और मानवता के लिए कार्य किए हैं। तो बाबा साहब की विचारधारा से प्रभावित होकर के आज ओबीसी भी इस विचारधारा पे चल निकला है। और ये हकीकत है कि जो मानवता के जो अधिकार हैं वो सही मायने में बाबा साहब की विचारधारा से मिलते हैं। नहीं तो हम अगर देखें तो जो मनुवादी विचारधारा है वो जस्ट मानवता के खिलाफ है। ये विचारधारा पहले जो लड़ाई अगर विचारधाराओं की रही तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा है कि पहले जो यहाँ का इतिहास है वो बुद्धिज्म और ब्राह्मणवादियों के बीच का इतिहास रहा है, और आज अगर हम देखें तो आज उसी ने ही थोड़ा सा बदलाव लिया है और वो विचारधारा अब अम्बेडकर विचारधारा और ब्राह्मणवादी विचारधारा के बीच का एक विचारों का संघर्ष है। डॉक्टर साहब, अगला सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि जो आपकी हमारी जैसे सम्मानित अधिकार की टीम या सामाजिक स्तर पे आप लोग ये काम कर रहे हैं, तो हमें क्या संदेश, हमें अपने युवाओं को ऐसा क्या संदेश देना चाहिए जिससे समाज में आने वाले समय में बहुत अच्छे से परिवर्तन नज़र आए और हम उस दिशा में क्या कार्य कर सकते हैं और अच्छे से जिससे समाज और या हमारे युवाओं में और अधिक बदलाव आए। सबसे पहले तो हमें समाज में परिवर्तन लाने के लिए, समाज में बदलाव लाने के लिए निश्चित रूप से कुछ कार्य ऐसे हैं जो मेरी नज़र में करने चाहिए। हालांकि इस मूवमेंट में जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का मूवमेंट है इसमें बहुत बुद्धिजीवी लोग जो हैं वो जुड़े हुए हैं, बहुत लोग कार्य कर रहे हैं। हो सकता है कि जो मैं अपने पर्सनल व्यू रख रहा हूँ वो मतलब इतने कारगर ना हो, लेकिन एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का अनुयायी होने के नाते मैं ये आग्रह करता हूँ कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए सबसे पहले हमें बाबा साहब की शिक्षाओं को लोगों तक पहुँचाना होगा, उनके दर्शन को पहुँचाना होगा, ताकि बाबा साहब का जो दर्शन है उसके जरिए हमारा जो समाज है उनकी विचारधारा को समझ सके। ये निश्चित रूप से हमें करना होगा। लेकिन अगर मैं पिछले कुछ समय से देख रहा हूँ, हालांकि मुझे इस मूवमेंट में ज़्यादा समय नहीं हुआ, पिछले कुछ समय से देख रहा हूँ तो ज़्यादातर जो हमारा फोकस है वो दरअसल इस मनुवादी व्यवस्था की बुराइयाँ करने में बीत जाता है। लेकिन मैं अपने जो पर्सनल व्यू हैं वो ये हैं कि हमें दूसरे की बुराई ना करके हमें अपनी विचारधारा की अच्छाइयों को समाज में रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि अगर हम अपनी जो विचारधारा है, जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा है, उसे अगर जाकर के समाज में रखेंगे तो निश्चित रूप से जो हमारे समाज के अशिक्षित लोग हैं या शिक्षा में उस स्तर से आज तक नहीं आ पाए हैं, लगभग आज़ादी के 72-73 साल बाद भी वो शिक्षा में उस तरह से भागीदारी अपनी सुनिश्चित नहीं कर पा रहे, उसकी मैं समझता हूँ कि जो वजह है वो शायद आर्थिक हो, लेकिन
अगर हम शिक्षा को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ेंगे, बाबा साहब के विचारों को जानेंगे, तो निश्चित रूप से हम तरक्की की तरफ को आएंगे, ये मेरा मानना है। और जो सामाजिक जो संगठन हैं, जो कार्य कर रहे हैं, मैं कुछ समय से देख रहा हूँ कि वो जो बुराइयाँ करते हैं, मेरा अपना मानना है कि उन बुराइयों को ना करके हमें बाबा साहब की शिक्षाओं को लोगों तक पहुँचाना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। डॉक्टर साहब, आखिर में मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगा कि बाबा साहब की विचारधारा को आपको आपके द्वारा फॉलो करने पर आप क्या महसूस करते हैं कि आपके परिवार को अपने आप में क्या बदलाव महसूस करते हैं, पहले क्या था या जब से आप बाबा साहब की विचारधारा में आए हैं तो आप अपने आप में किस तरह से बदलाव महसूस कर रहे हैं, समाज के स्तर पर, अपने आप में, घर परिवार में क्या महसूस करते हैं? बहुत ही आप लोग, मैं चाहूँगा कि बहुत यानी शॉर्ट समय में इसका थोड़ा जवाब दें। देखिए, जब से मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा से जुड़ा हूँ, बाबा साहब की विचारधारा से जुड़ा हूँ, तो एक तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस पैदा हुआ है। पहले ये था कि अगर मेरे साथ कुछ भी ऐसा घटता था जो वास्तव में नहीं घटना चाहिए, तो उसे मैं दूसरे अंधविश्वासी तरीके से देखता था। लेकिन जब से मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी की विचारधारा से जुड़ा हूँ, तो बाबा साहब की विचारधारा से जुड़ने के बाद ये बहुत बड़ा फ़र्क मेरे अंदर आया है कि मैं मतलब अपने अंदर कॉन्फिडेंस पैदा कर सका हूँ। और यही शिक्षा मैं घर में अपने परिवार में देता हूँ कि बाबा साहब की विचारधारा ऐसी विचारधारा है जिससे हमारे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और ये बहुत ही सही मायने में विचारधारा है कि अपने आप पर विश्वास करना, आत्मनिर्भर बनना, ये विचारधारा उसी की तरफ ले जाती है, ऐसा मैंने अनुभव किया है। डॉक्टर साहब, एक लास्ट क्वेश्चन है। हमारे युवा वर्गों की जो शिक्षा है वो केवल पढ़ाई और नौकरी के लिए है, हमारा युवा वर्ग राजनीति में हिस्सा नहीं ले पा रहा, ऐसा क्यों? देखिए, जो युवा वर्ग है वो दरअसल, चूंकि हम लोगों ने हजारों साल तक जो गुलामी है उसको सहा है, तो मैं ये मानता हूँ, मेरी अपनी पर्सनल व्यू है कि जिस गुलामी के दलदल में हमारे पूर्वज रहे हैं, उस विचारधारा से या उस गुलामी के दलदल से, मैं ये मानता हूँ कि आज तक भी हम अपने आप को ऐसा महसूस नहीं करते कि आज हम स्वतंत्र हैं। निश्चित रूप से हम उसी गुलामी के चंगुल में आज भी हैं, और हमें ये सबसे प्रथम जो है कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि सबसे पहले हम उस गुलामी के दलदल से निकलें, अपने आप में कॉन्फिडेंस बिल्ड करें, और राजनीति की तरफ को हमें अग्रसर होना चाहिए। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने भी कहा है कि भाई, सत्ता जो है वो मास्टर चाबी है जिससे सारे ताले खुलते हैं। बाबा साहब ने भी ये कहा है कि भाई, राजनीति ही हमारा जो लक्ष्य है, अगर हम राजनीति में पहुंच जाएंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो जीवन का स्तर है वो सामाजिक स्तर से भी, आर्थिक स्तर से भी, और मैं मानता हूँ कि धार्मिक स्तर से भी उसमें बहुत बड़ा सुधार आएगा, ऐसा मेरा मानना है। तो इसलिए हमारे युवा वर्ग को राजनीति की तरफ को निश्चित रूप से आना चाहिए, चाहे वो एक ग्राम प्रधान का चुनाव है या मेंबर का चुनाव है या उससे बड़े एमपी एमएलए के चुनाव हैं, उसकी तरफ को हमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, और लोगों के अंदर मैत्री का जो भाव है उसे पैदा करना चाहिए, ताकि हमारा समाज संगठित हो, और संगठित होने के बाद में जो हम लोगों में एकता की जो मिसाल कायम होगी, जिससे हम हर क्षेत्र में उन्नति हासिल करेंगे, वो संभव है कि भाई हम जो है संगठित हों, वो संगठित होने से ही संभव हो सकता है, ऐसा मेरा मानना है। सर, एक सवाल है शॉर्टकट। आज दो पार्टियां हमारी हैं, पार्टियां तो बहुत सारी हैं, लेकिन एक मिस्टर चंद्रशेखर ने अपनी पार्टी बनाई है, एक माननीय बहन जी, आप किसे ज़्यादा लाइक करते हैं? देखिए, दरअसल दोनों जो पार्टियां हैं वो हैं तो अपनी ही, और वो उनके माननीय बहन कुमारी मायावती जी और माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी, जिन्होंने अभी अभी नई पार्टी आज़ाद समाज पार्टी के नाम से
हम लोगों के बीच स्थापित की है। वो उनका देखो राजनीतिक स्टैंड है, उनकी सोच है, क्योंकि राजनीति के बारे में दरअसल हम ज़्यादा जानते नहीं। अब पता नहीं कि जो आज़ाद जी हैं उन्होंने क्या लक्ष्य रखा है इसके पीछे, वो उनकी विचारधारा है। मैं इसे इस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। आप किसे सपोर्ट करते हैं? देखिए, जो संघर्ष माननीय बहन कुमारी मायावती जी का रहा है, तो उस संघर्ष के नाते जिस तरह से समाज को माननीय बहन जी ने ऊपर उठाने का काम किया है, बहन जी को जिस तरह से माननीय बहन जी ने समाज के लिए कार्य किया है, समाज को उठाया है, उसे आत्मनिर्भर बनाया है और विश्वास से लबरेज किया है, तो मैं निश्चित रूप से कहता हूँ कि मैं बहन कुमारी मायावती जी के ही साथ हूँ।